हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे BPAG 173 ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है जी, उसके कुछ 2024 के क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हैं, कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है, आपका यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस, जो क्वेश्चन आपका कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले हमें बताना है मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस क्या है। पहले जान लेते हैं मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस है क्या एक्चुअल में। ठीक है, टिपिकली आउटलाइंस कि कैसे एक टेक्नोलॉजी यहाँ पर चेंज कर सकती है या फिर टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर सकती है, किसको यूटिलाइज करना है, इम्प्रूवमेंट को। यहाँ पर जो ई गवर्नेंस है या फिर गवर्नमेंट का जो वर्क है, जो गवर्नमेंट सर्विस देती है अपने सिटीजन्स को, उसमें वो टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्लीमेंट करती है और क्या लाती है, सुधार लाती है। ठीक है, इफ़िशेंसी में क्या लाती है, सुधार लाती है, एसेसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज में एसेसिबिलिटी आनी चाहिए। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उसकी एफिशेंसी में। ठीक है, जबकि प्रमोट करे, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करे, कर सकती है अकाउंटेबिलिटी को और सिटीजन इंगेजमेंट को। ये क्या होता है, हमारे मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस होते हैं, जहाँ पर जो ई गवर्नेंस है, जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, वो किसका यूज़ करती है, मेन जो है टेक्नोलॉजी का, कि एक ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी कैसे हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में। ठीक है, अब यहाँ पर आपके वेरियस मॉडल्स हैं जो कि डिपेंड एग्जिस्ट करते हैं कुछ डिपेंडिंग आपके मॉडल्स पर। जो ई गवर्नेंस है उसके कुछ मॉडल्स हैं, जहाँ पर हमें क्या चाहिए, फोकस चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए और स्कोप चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इम्प्लीमेंटेशन तो हम करेंगे मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस को, ई गवर्नेंस जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी, बट उसको अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की नीड है या किस चीज़ पर डिपेंड है, फोकस पर, स्ट्रक्चर पर और स्कोप पर। ठीक है जी, वन बाय वन पढ़ते हैं हम उसके मॉडल्स। ओके, पहला मॉडल है आपका G2C, यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। ओके, दिस मॉडल फैसिलिटेट डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन्स। ये जो मॉडल है ये फैसिलिटेट करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन को या फिर सर्विसेज को, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, किसके लिए, उसके सिटीजन्स के लिए, उसके देश की जनता के लिए। जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, फैसिलिटीज़ प्रदान करती है कि हम यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या दे सके, कम्युनिकेशन और डायरेक्ट सर्विसेज दे सके। ठीक है, किसके बीच में, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में। यहाँ पर कोई और तीसरी या थर्ड पार्टी का रोल नहीं होता है, दो पार्टी होती है, कौन सी, पहली गवर्नमेंट और दूसरी सिटीजन्स। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, पहला है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर असेसिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। यहाँ पर हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं गवर्नमेंट को, सीधा डायरेक्ट है सिटीजन टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। क्या करते हैं, टैक्स हम पे करते हैं। ठीक है, हम अपने लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और एक्सेस कर सकते हैं वेलफेयर बेनिफिट्स को। ठीक है, जनता कर सकती है। उसके बाद थर्ड होता है आपका ई वोटिंग सिस्टम है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं हमें, ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, जो हमें गवर्नमेंट ने क्या कर रखे, प्रोवाइड कर रखे ऑनलाइन, और हम वहाँ पर बेनिफिट्स ले सकते हैं, सिटीजन्स वहाँ पर अपने बेनिफिट्स वो ले सकते हैं। थर्ड है आपका पब्लिक पोर्टल्स फॉर इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, एग्जाम्पल है एजुकेशन, हेल्थ और पब्लिक पॉलिसीज। यहाँ पर पब्लिक पोर्टल्स है इंफॉर्मेशन के लिए, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स है एजुकेशन है, हेल्थ है, पब्लिक पॉलिसीज है। ठीक है, ये किस में आता है, G2C में। अब इसके बेनिफिट्स क्या है G2C के, यहाँ पर ये कन्वीनियंस को इंक्रीज करता है। जो गवर्नमेंट आपको कन्वीनियंस कर सकती है अपनी तरफ, ठीक है, साथ में यहाँ पर फास्टर सर्विस डिलीवर की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, किसको, पब्लिक को। इन्हांस एसेसिबिलिटी फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, और यहाँ पर रिड्यूस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन।
गवर्नमेंट टू सिटीजन है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का रोल नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सीधा जो बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है सर्विसेज को या फिर कम्युनिकेशन को या फिर जिस भी वेलफेयर के लिए सिटीजन्स के लिए, वो डायरेक्ट क्या मिलता है, सिटीजन्स को मिलता है। यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी का रोल नहीं होता। ये होता है आपका फर्स्ट मॉडल G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। ओके, ये है गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है दो पार्टी के बीच में होता है। वो दो पार्टी कौन सी होती है? पहली तो होती है हमारी गवर्नमेंट और दूसरा होता है बिजनेसेस। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या होगी, आपकी दो ही पार्टी होगी G2B में, गवर्नमेंट टू बिजनेसेस में, गवर्नमेंट और बिजनेसेस। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर हम जो बिजनेसमैन है वो टैक्स फिल कर सकते हैं, लाइसेंसिंग सिस्टम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। तो सीधा क्या है, हमने यहाँ पर सिटीजन ने क्या किया या फिर बिजनेस ने क्या किया है, सॉरी सिटीजन ने नहीं, बिजनेस ने या बिजनेसमैन ने डायरेक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, किसके किसके पास, गवर्नमेंट के पास, फॉर परमिशन। सेकेंड है पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल्स फॉर बिजनेसेस टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स। गवर्नमेंट टेंडर्स को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर पब्लिक प्रोक्यूरमेंट हमें पोर्टल्स क्या है बिजनेस के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो भी यहाँ पर इस पर अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए, डायरेक्ट किससे, गवर्नमेंट से। थर्ड है, हाँ, डिजिटल टूल्स भी हमारे पास हैं जो कम्युनिकेशन को और कंप्लायंस को क्या करते हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके उसकी उससे क्या होता है, हम यहाँ पर डिजिटल टूल्स को अप्लाई करके फॉर बिजनेसेस सीधा हम यहाँ पर गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं बिजनेसेस। ठीक है, ये क्या होता है आपका G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसके कुछ बेनिफिट्स से पढ़ लेते हैं। स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेसेस, इम्प्रूव्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यहाँ पर स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं हम बिजनेस प्रोसेस को, बहुत इजी हो जाता है बिजनेस प्रोसेस को फिर आगे ग्रोथ करना, उसको डेवलप करना। ठीक है, इम्प्रूव्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डूइंग ईज, यहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत इजीली हो जाता है। और रेड टेप को यहाँ पर हम रिड्यूस करते हैं, एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होती है, सीधा सीधा दो ही पार्टी है बिजनेसेस और गवर्नमेंट, जहाँ पर उन दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी है तो सीधा सीधा क्या होता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेने में और देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है जी, ये क्या होता है आपका G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ओके, अब ये है आपका थर्ड, सिटीजन टू गवर्नमेंट। अभी हमने पढ़ा गवर्नमेंट टू सिटीजन, अब पढ़ेंगे सिटीजन टू गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे जो हमारे सिटीजन्स होते हैं वो गवर्नमेंट को फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, मेनली जो है गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करती है कि आपको क्या है, आप फीडबैक दे सकते हैं और हम भी आपसे फीडबैक ले सकते हैं, सेम एज इट इज हम भी आपको फीडबैक दे सकते हैं, जो भी हमने वेलफेयर किया, जो भी सर्विसेज या कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड कराई है, जो भी चीज़ आपने हमने प्रोवाइड करी है। पढ़ लेते एक बार, इस मॉडल में सिटीजन इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है सिटीजन्स टू प्रोवाइड फीडबैक, प्रोवाइड फीडबैक कर रही है, रेज इश्यूज, जो भी इश्यूज आए हैं उनके बारे में बता रही है, या फिर पार्टिसिपेट कर रही है डिसीजन मेकिंग में कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उसमें क्या क्या कुछ चीज़ें हम घटा सकते हैं, कुछ चीज़ें बढ़ा सकते हैं फॉर वेलफेयर, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वॉट एवर। ठीक है, के बाद इसके एग्जांपल्स हैं। पहला है गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए सिटीजन्स का फीडबैक कि गवर्नमेंट सर्विसेज कैसी हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फीडबैक प्लेटफॉर्म सबके लिए है और ऑनलाइन है, डिजिटल है। उसके बाद है ई पार्टिसिपेशन टूल्स फॉर पब्लिक कंसल्टेशन एंड पॉलिसी ऑन पॉलिसी डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजंस पर पब्लिक की कंसल्टेंसी, यानी कि यहाँ पर पब्लिक की जो भी विचार है, जितने भी विचार हैं पॉलिसी डिसीजन के लिए, वहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, ई पार्टिसिपेशन टूल्स है, जहाँ पर जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स है, वो जाकर के पॉलिसी डिसीजंस के लिए वहाँ पर कंसल्टेशंस कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है आपका
डिजिटल पिटीशंस एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर रिपोर्टिंग सिविक इश्यूज. सिविक इश्यूज कौन से होते हैं? कंप्लेन अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज. पब्लिक सर्विसेज के लिए जो भी आपको प्रॉब्लम आती है या फिर कंप्लेन करनी होती है किसके बारे में? इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में. तो यहाँ पर आपके पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? डिजिटल पिटीशंस एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर रिपोर्टिंग सिविक्स. ठीक है जी, इसके बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं. एनहांस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, लीडिंग टू मोर रिस्पॉन्सिव एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑपरेशंस. ये किसको लीड करता है? कि हमारी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो कैसी हो? रिस्पॉन्सिव हो ज़्यादा से ज़्यादा और डेमोक्रेटिव हो. ठीक है, और ये जो मॉडल्स हैं ये क्या देते हैं? सिटीजन टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू सिटीजन ट्रांसपेरेंसी देते हैं, जनता को गवर्नमेंट के थ्रू और गवर्नमेंट को जनता के थ्रू. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मिलती है यहाँ पर और सिटीजन पार्टिसिपेशन. अब यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड डेवलपमेंट. ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने. ई लर्निंग कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेशन. अब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस जानते हैं कुछ. इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग यहाँ पर सीधा सीधा है, यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना है, यही होती है क्या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग. लर्निंग मतलब सीखना, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि यहाँ पर किसका यूज़ किया जा रहा है? टेक्नोलॉजीज का. ठीक है, रिसोर्सेज को डिलीवर करना फॉर एजुकेशनल एजुकेशन कंटेंट में, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना लर्निंग के लिए, और एनहांस करना नॉलेज एक्विजिशंस को, यानी कि नॉलेज जितनी हो सकती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, जनता के बीच में, या फिर जो भी एजुकेटर है, जो लर्नर है, उन तक पहुँचाना टेक्नोलॉजी का यूज़ करके. ठीक है, ये होती है आपकी क्या ई लर्निंग, ई इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग. सेकेंड है पॉइंट इसका आपका, इट लीवरेज मल्टीमीडिया टूल्स सच एज वीडियोस. मल्टीमीडिया टूल्स को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया हम सब यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे मल्टीमीडिया हैं यहाँ पर आपके पास. क्या क्या है? वीडियोस को, इंटरेक्टिव को, इंटरेक्टिव साइमल्टेशंस, ऑनलाइन असेसमेंट्स होते हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं जो क्रिएट करते हैं इंगेजिंग एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग. यहाँ पर जो लर्नर है या फिर जो भी एजुकेटर है उसके पास क्या है? मल्टीमीडिया टूल्स, जैसे कि वीडियोस है, इंटरेक्टिव साइमल्टेशंस है, या फिर ऑनलाइन असेसमेंट है, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के थ्रू चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं. ये होती है क्या आपकी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग. ठीक है जी, और यहाँ पर आपके पास जो एक्सपीरियंस होता है, जो भी आप सीखते हैं, वो कैसे सीखते हैं? विद फ्लेक्सिबिलिटी, विद फ्लेक्सिबिलिटी एंड फैसिलिटीज. ठीक है, ये होती है आपकी ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने. अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में. पहला है फॉर लर्नर्स, लर्नर्स के लिए. हाँ, फॉर लर्नर्स पहला है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी अभी हमने पढ़ा. विद फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो क्या कर सकते हैं जो लर्नर्स हैं, जो भी लर्नर्स, यहाँ पर लर्नर्स की बात कर रहे हैं, तो लर्नर्स के पास क्या है? एक्सेस कंटेंट है किसी भी टाइम पर. आप किसी भी टाइम पर चीज़ों को सीख सकते हैं, जब भी आप फ्री हो या जब भी आपका मन हो. ठीक है, जैसे भी, एनी वेयर, कहीं भी पढ़ सकते हैं, एट देयर ओन पेस, कैटरिंग टू इंडिविजुअल शेड्यूल्स एंड लर्निंग स्टाइल्स, जो मैंने अभी बताया. कोई भी व्यक्ति कहीं भी कैसे भी पढ़ सकता है, जैसे भी उसके पास टाइम है, वो जहाँ कहीं भी है वो क्या कर सकता है? ई लर्निंग के थ्रू पढ़ाई कर सकता है, सीख सकता है चीज़ों को. ठीक है, उसके बाद है कॉस्ट इफेक्टिवनेस. ये जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करता है. एकोमोडेशंस एंड फिजिकल लर्निंग मटेरियल्स, इन सबको क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है. उसके बाद आता है पर्सनलाइज लर्निंग, ऑफर अडेप्टिव लर्निंग पाथ बेस्ड ऑन द लर्नर्स प्रोग्रेस प्रेफरेंसेस एंड नीड्स. ये ऑफर कर रहा है कि यहाँ पर अब आपको पर्सनलाइज लर्निंग करनी है, खुद सेल्फ स्टडी करनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? सेल्फ एक्सपीरियंस लेंगे, सेल्फ लर्निंग करेंगे और सेल्फ लर्नर बनते हैं. ठीक है,
उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, जो लर्नर है जिसके पास फ्लेक्सिबिलिटी, एसेसिबिलिटी है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है और पर्सनलाइज लर्निंग भी है, उसकी क्या डेवलपमेंट होती है, क्या डेवलप्ड होती है, स्किल्स डेवलप्ड होती है, ठीक है। कुछ डाइवर्स कोर्सेज को यहाँ पर क्या करवाता है, प्रोवाइड कराता है, और यहाँ पे इंडिविजुअल एवरी इंडिविजुअल क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है न्यू स्किल्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने, फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या है, पहला यहाँ पर इंक्लूजन एंड इक्विटी। यहाँ पे जितने भी बैरियर्स हैं एजुकेशन को, ठीक है, लर्निंग के लिए, फॉर द अगर हम इक्विटी की बात करें वुमेन्स के लिए, गर्ल्स और बॉयज के बीच में जो भी इक्विटी होती है उसके बीच में क्या करता है, ये ब्रेक डाउन लगा देता है बैरियर्स को क्या कर देता है, तोड़ देता है एजुकेशन के थ्रू, ठीक है, उसके माध्यम से, ई लर्निंग के माध्यम से। उसके बाद है सेकेंड है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। यहाँ पर आप क्या कर, ये जो ई लर्निंग है ये बढ़ावा देता है कल्चर को, सीखने के कल्चर को, कि हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस सीखेंगे चीज़ों को, कभी भी सीख सकते हैं, ठीक है, कोई भी एज नहीं है कि एज बार हो कि आप बस इतने से इतने तक सीख सकते हैं, नहीं, कोई भी सीख सकता है, ऑनलाइन सीख रहे हैं आप, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कहीं भी कैसे भी चीज़ों को सीख सकता है, ठीक है। और ये क्या करता है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है जल्दी से जल्दी वर्ल्ड को चेंज करने के लिए, ठीक है, या उनकी विचारधाराओं को, जो कि विचारधाराएं हैं कि इक्विटी है यहाँ पर देश में, कंट्री में, देश में जो होती है इक्विटी गर्ल्स और बॉयज़ को लेकर के, कि लड़कियाँ जो हैं बाहर पढ़ने नहीं जाएंगी, और सेम बॉयज़ के लिए भी होती है, ठीक है। इसे बॉयज़ के लिए कैसे होती है यहाँ पर, कि वो अब कमाने लग जाएगा, बारहवीं भी नहीं कराते हैं, खेती बाड़ी में लगा देते हैं पहले से ही, और फिर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, स्कूल जा ही नहीं पाते हैं, और क्या रह जाते हैं, खेती बाड़ी में रह जाते हैं, ठीक है, पढ़ नहीं पाते, न्यू टेक्नोलॉजी भी नहीं सीख पाते हैं कि खेती बाड़ी हम न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कैसे कर सकते हैं, ठीक है, फिर से वही वो ट्रेडिशनल चीज़ों को अपनाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो वर्ल्ड है उसमें चेंज नहीं आता है, किसी भी चीज़ में चेंज नहीं आता है, और वही चीज़ हमारे यहाँ पर चल रही होती है, लेकिन जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है ये प्रमोट करती है कल्चर को, कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सीखा जाए, लर्निंग की जाए, और क्रूशियली इन अ रैपिडली चेंज, और वर्ल्ड में क्या है, चेंज आए बहुत जल्दी। थर्ड है आपका एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। यहाँ पर फिजिकल मटेरियल्स की जो नीड होती है उसको क्या करता है, कम करता है, और या फिर जो ट्रेवल्स है, हम ट्रेवल करके जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, और कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबिलिटी को, एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलेगा, हम आएंगे जाएंगे नहीं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी फिजिकल मटेरियल्स है उसकी जो नीड्स होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है जी। ये था आपका फोर सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने, ओके, ये है आपका आईसीटी। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्या होती है ये रेफर करता है टेक्नोलॉजी के यूज को। टेक्नोलॉजी अब क्या कर सकती है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम सोशल मीडिया सब लोग यूज़ करते हैं, तो जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, जैसे आप हैं, आप अभी यूट्यूब पे पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी का ही यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, आपके पास है फॉर गैदरिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को क्या करना, इकट्ठा करना, स्टोर करना, रिट्राइविंग करना, ठीक है, प्रोसेस में लाना, उसके बाद ट्रांसमिटिंग कर, इन्फॉर्मेशन को क्या कर देना, ट्रांसफ़र करना, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, किसका वर्क होता है, टेक्नोलॉजी का, और वो कौन यूज़ करता है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी ये होता है, ठीक है। इट एनकम्पासेस ऑल डिजिटल डिवाइसेस, ये एनकम्पासेस करता है सारे डिजिटल डिवाइसेस को, एप्लीकेशंस को और सिस्टम्स को, जो कि यहाँ पर इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और मैनेज करते हैं डेटा को, जो भी योग्य हैं, जो भी कैपेबल हैं हमारे सारे डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है, जो इंटरैक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और डेटा को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है।
सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पर, ये वाला, आईसीटी प्ले करता है एक पाइवोटल रोल इन मॉडर्न सोसाइटी बाय फैसिलिटेटिंग फास्टर एंड मोर एफिशिएंट कम्युनिकेशन। ये क्या यहाँ पर पाइवोटल रोल प्ले करता है मॉडर्न सोसाइटी में? मॉडर्न सोसाइटी है आजकल, सब लोग क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जानते हैं, ठीक है, और उसे जानना और अच्छे से चाहते हैं, प्लस साथ में क्या है, उसे और डेवलप्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है कि जल्दी से जल्दी फास्टर और मोर एफिशिएंट कम्युनिकेशन को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, और वहाँ पर इन द मॉडर्न सोसाइटी पाइवोटल रोल को प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेस अक्रॉस वेरियस फील्ड सच एज एजुकेशनल, हेल्थ केयर, बिजनेस एंड गवर्नेंस, जो कि मैंने अभी आपको बताया। पाइवोटल रोल मॉडर्न सोसाइटी में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ये मॉडर्न सोसाइटी के लिए पाइवोटल रोल प्ले कर रहा है और फैसिलिटेट करता है फास्टर और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी कम्युनिकेशन को, ठीक है, एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस को ऑटोमेशन करता है, किसमें, वेरियस फील्ड्स में, अलग अलग फील्ड्स में क्या करते हैं हम इसको यूज़ करते हैं आईसीटी को, जैसे कि फॉर द एजुकेशन, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, बिजनेस के लिए, और यहाँ तक कि इन द गवर्नेंस, यहाँ पर भी हम किसको यूज़ करते हैं, आईसीटी को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, ठीक है जी। सो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है कुछ मेन टॉपिक्स के साथ, कल मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।